हाय फ्रेंड्स, आप सब रावण के बारे में तो जानते ही हैं। मैं उसी रावण की बात कर रहा हूँ जिसके 10 सिर थे। लेकिन कई इंसानों के मन में ये प्रश्न आया होगा कि शून्य की खोज तो आर्यभट्ट ने की, तो रामायण काल में रावण के 10 मस्तक की गणना कैसे की, और अगर की तो उसे लिखे कैसे गया होगा। तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रामायण काल में गणना कैसी होती थी। रामायण काल में गिनती शब्दों में होती थी, और हाँ, वो भी संस्कृत में। उस समय शून्य शब्दों में था, यानी कि जीरो की जगह पर शून्य शब्द का ही प्रयोग होता था। आर्यभट्ट ने तो शून्य की खोज अंकों में की है, और उस समय अंकों के स्थान पर शब्द का प्रयोग होता था। तो अगर हम उदाहरण के लिए 1 से 10 तक के अंक लेते हैं, तो उस समय 1 को प्रथम कहते थे, 2 को द्वितीय, 3 को तृतीय, 4 को चतुर, 5 को पंचम, 6 को षष्ठ, 7 को सप्तम, 8 को अष्टम, और 9 को नवम, और इसी प्रकार 10 को दशम कहते थे। और यहाँ पे गौर से देखिए, 10 के लिए दशम तो आ गया, और अंकों की कोई जरूरत भी नहीं पड़ी। इसी प्रकार 100 को शत कहते थे। लेकिन महाभारत की पुरानी ग्रंथों में अगर देखा जाए तो आपको कौरवों की संख्या के लिए 100 की जगह शती लिखा हुआ मिलेगा। और रावण का एक नाम तो दशानन भी था, यानी कि 10 सिर वाला। इसका प्रूफ हमें शिव पुराण में भी मिलता है। इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप पुराने ग्रंथों को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनमें अध्यायों के लिए 1 अध्याय, 2 अध्याय, तृतीय अध्याय या 10 अध्याय ऐसा नहीं लिखा है। उसमें तो संस्कृत में प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, पंचम अध्याय, सप्तम अध्याय, दशम अध्याय, ऐसा संस्कृत भाषा का शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। और ऐसा लिखने से उन्हें अंकों की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। और यही कारण है कि आर्यभट्ट के शून्य की खोज से पहले महाभारत और रामायण काल से भी पहले गिनती शब्दों में की जाती थी और होती भी थी। और उस समय संस्कृत भाषा का ज्यादा ही प्रयोग किया जाता था। कई लोगों को ये बात पता ना होने पर वो रामायण, महाभारत और आदि पुराणों ग्रंथों को काल्पनिक मानते हैं, लेकिन ये सब सब झूठे, क्योंकि कई ग्रंथों में रामायण और महाभारत की एविडेंस का भी पता चल चुका है। और मेरी इस बात से तो सीधा सीधा पता चल जाता है कि अंकों के शून्य के बिना भी गिनती पूरी हो सकती है, और उस समय की भी थी। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल गया हो। तो दोस्तों, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। फिर मिलेंगे मेरी अगली वीडियो के साथ।